बलौदा बाजार में प्रेम भुवन प्रताप सिंह शासकीय स्कूल के छात्र मन पूर्व में करे गए चक्का जाम के बाद अधिकारी के द्वारा दिए गए आश्वासन ला पूरा नहीं करे ले फिर अपन मांग लले के मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर प्रदर्शन करी जेमा छात्र मन के तीन प्रमुख मांग रही और मुख्य रूप ले खेल मैदान में सीएमओ के द्वारा षड्यंत्र कर बनाए गए कॉम्प्लेक्स ला तोड़े के मांग रखे रही संगे संग सीएमओ ला हटाए के मांग करे रही फिर कोनो मांग ला अब तक पूरा नहीं करेगा ही छात्र मन के द्वारा पूर्व में करे गए चक्का जाम के बाद से प्रेम भुवन प्रताप सिंह स्कूल के शिक्षक मन के वेतन ला रोक दिए गए रही जेला जारी करे बर बिलाईगढ़ एसडीएम ला ज्ञापन भी दिए गई। मजबूरी में आके हमें आज मतलब चक्का जाम फिर करना पड़ रहा है। क्या चीज पूरा नहीं किया? यहाँ पर बोला गया था कि मतलब कि जो मतलब हमारा मतलब यहाँ पर मेन मुद्दा जो था ना सीमो को हटाना है तो उसे नहीं हटाया गया। सीमो को यहाँ से मतलब भटगांव से नहीं हटाया गया है। मैन ये मुद्दा था जिसका ताला लगाने का था तो ताला लग गया लेकिन वो भी छठवें दिन लास्ट दिन में अगर हम लोग डॉक्यूमेंट जब जमा किए हैं तब जाके वो लोग वहाँ पर ताला लगाए तब पता चला बच्चे नहीं मानने वाले तब जाके ताला लगाया गया। और हमारी जो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे टीचर को बीच में घसीटा जा रहा है जिसमें ताकि वो लोग हमारे ऊपर प्रेशर डालें कि हम लोग ये जो हमारी मांगे हैं हम अपनी मांग को दबा दें अपने मतलब जो हम लोग कर रहे हैं उसे रुक जाए। इसलिए हमारे टीचर की मतलब पेमेंट रोक दी गई है ताकि टीचर हमारे ऊपर प्रेशर डालें जो कि हम लोग टीचर्स लड़ के भी फिर भी हम लोग अपना चक्का जाम कर रहे हैं अपने मांगों के ऊपर डटे। कल तक उनसे जो चर्चा हुई थी उसके अनुसार उनकी पुरानी मांग थी कि सीएमओ को हटाया जाए और कॉम्प्लेक्स निर्माण भड़गाम किया गया है उसको भी बेदखल कर साला के छात्रों के लिए खेल मैदान को खाली किया जाए। इसी सिलसिला में उन लोग का चक्का जाम किए थे परंतु आज जो ज्ञापन दिए हैं उसमें उनके द्वारा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि साला के जो शिक्षक हैं उनके वेतन रोका गया है उसे दिलाया जाए।